दोस्तों, अक्सर बिल्डिंग्स में हमने इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स को देखा होगा जिन पर ए बी सी डी टाइप के सिंबल्स होते हैं। आइए जानते हैं इन सिंबल्स का क्या मतलब है। अगर किसी एक्सटिंग्विशर पे क्लास ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वुड, पेपर, ट्रैश जैसे सॉलिड चीज़ों की आग बुझाने के लिए काफ़ी सही है। क्लास बी का मतलब है ये फ्लेमेबल लिक्विड जैसे ऑयल, पेट्रोल या डीजल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए सही है। क्लास सी टाइप डिनोट करता है ये इलेक्ट्रिकल पैनल, स्विच बोर्ड जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हुई आग को बुझाने के लिए सही है। क्लास डी मेटल्स और क्लास के गैसेस से लगी हुई आग को बुझाने के लिए सही है। अक्सर हम बिल्डिंग्स में ए बी और सी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स को लगे हुए देखते हैं क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और इलेक्ट्रिकल तीनों तरह से लगने वाली आग को बुझाने। भारत में हर दिन लगभग 35 लोगों की जान आग लगने की वजह से होती है। साल 2021 में लगभग 1.6 मिलियन फायर एक्सीडेंट्स हुए जिसमें लगभग 27,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोई भी बिल्डिंग 100% फायर रेजिस्टेंट नहीं हो सकती। ज़्यादातर फायर एक्सीडेंट्स में सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी और बिल्डिंग्स में प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो ना करने की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सिविल इंजीनियर्स, यह आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बिल्डिंग को फायर सेफ्टी फीचर्स के साथ प्रॉपर डिज़ाइन करें। और करियर वाइज भी फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स को ये नहीं पता है कि बिल्डिंग में फायर एंड सेफ्टी डिज़ाइन भी एक सिविल इंजीनियर ही करता है।